योगी सरकार पूरे अयोध्या के साथ साथ अन्य जिलों को भी राममय बनाने के प्रयास में लगी है। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय बना दिया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भक्तजनों को खुश और भगवान राम के करीब लाने की पहल करते हुए बसों में रामधुन का मधुर संगीत बजाए जाने का फैसला लिया है। बस चालकों को रामधुन संगीत और भजन का संग्रह दिया गया है, जिसे वो अपने सफर के दौरान इसे बजा सके। बता दें कि ये धुन अब तक 5,000 बसों में चल चुकी है और 14,000 बसों में चलाने का निर्णय है। इसके अलावा प्राइवेट बस के मालिकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो बसों में रामधुन का प्रयोग करें। ये हमारे सभी बसों में ये धुन को लगाया जा रहा है। करीब 5,000 बसों में मेरे लगाया जा चुका है और 14,000 बसों में हम लोगों ने लगाने का लक्ष्य रखा है। और ये तो मेरी जो है परिवहन निगम की बसें हैं, अब हम तो जो हमारे प्राइवेट बसें हैं उन पर भी मैंने अनुरोध किया है कि आप लोग भी जो भी यात्री आ रहे हैं उनको भी यात्रा का एहसास न हो, वो सीधे राममय होते हुए भक्तिमय होते हुए वो सीधे अयोध्या पहुंचे, उनको किसी तरह का तकलीफ न हो, वो सीधे बस से ही आराम से जुड़ जाएं और वो भक्तिमय होकर के जाएं, इसलिए हम सब ने ये इसका प्रयोग किया है। तो वहीं यात्री भी रामधुन के भजनों से बेहद प्रसन्न हैं और अपनी खुशी भी जता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी भक्ति का माहौल दिख रहा है चारों तरफ, सारे लोग भक्ति के माहौल में झूम उठे, अच्छा लग रहा है। तो बसों में जो म्यूजिक बज रहा है अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा माहौल, चारों तरफ खुशियों का माहौल दिख रहा है। तो सफर भी अच्छा कटेगा? जी बहुत आराम से कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। 500-550 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में स्थापना होगी। हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है और जो ये बसों में रामधुन महाराज जी के आदेश से बज रहे हैं, लोगों के रोम रोम में राम बस गए हैं, पूरा देश राममय हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने जो भी ये कदम उठाए हैं, जो भी चलाए हैं, लोगों के मन में अपने राम के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति एक भावना जगी है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।